गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है और बाहर बरसात लगी हुई है। आपको पता है बरसात का मौसम है, तो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं लग रहा था। और पिछले एक हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज हफ्ते बाद मेरे को टाइम लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो अपलोड की जाए शाम के टाइम पर। बाहर आप देख रहे होंगे, देखिए बारिश लगी हुई है बिल्कुल, देखिए बाहर का नज़ारा है, कुछ बरसात में इस तरह का होता है। और मेरे हाथ में है इस टाइम टॉफियाँ, और मेरे पास बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, देखिए छोटा बेबी है आरबी और आयशा, तो मैं अब इनको देता हूँ टॉफियाँ और इनसे करते हैं कुछ सवाल, देखते हैं कि ये कुछ जवाब दे पाते हैं उनका या नहीं। तो ये रही बड़े बच्चे के लिए टॉफी, और ये रही छोटे बेबी के लिए। ओहो, वो गिर गई बेबी की। क्या पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो आयशा? आयो राय लिया था। और एक टॉफी है मेरे पास, इसको मैं खा लेता हूँ। हाँ देखिए कोकोनट वाली है, तो खा लेती है इसको। छोटा बच्चों ने अभी मुँह में डाल लिया था उसके वगैरह। मैं तो बाद में खाती हूँ। अच्छा अभी खाई नहीं है। ओके, तो क्या पढ़ रहे हो आप, ये क्या पढ़ रहे हो बेटा? पढ़ रहे हो, लिख क्या रहे हो ये बता दो। समझ भी आता है ऐसे ही? हाँ? समझ भी आता है कुछ या ऐसे ही लिख रहे हो? आता है तो। अच्छा जी, देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं इनकी। पूरी चित्रकारी की हुई है इन किताबों पे, आप देख रहे होंगे कैसे रंग रोगन किया हुआ है। देखिए कलर किया हुआ है बच्चों ने, स्केच लेके आओ बस कलर करते जाएंगे। स्केच नहीं है मेरे पास। तो ये मोबाइल किसका है? ये फोन का कवर है। कवर है, बड़े अच्छे मंडी वाली नानी ने कलर स्केच और कलर की किताब रखी है। किस मंडी वाली नानी ने? मंडी वाली नानी ने उनके बच्चे लिए अच्छे ने जाते हैं। आपको दिए कलर तो मंडी में ही रह गए वो। अच्छा हेलो करो बेटा, हेलो करो। हेलो हेलो। ये बाल क्यों काटे आपने ऐसे? बेबी कट मारा है। वो चोटी कहाँ गई? चोटी चोटी कहाँ गई आपकी? चोटी तो कटाई दी है। तो बच्चे कर रहे हैं पढ़ने का काम अपना, और थोड़ा चित्रकारी कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह। देखिए पीछे कितना मस्त लग रहा है, हरा हरा, मतलब नए नए जो उनके ऊपर ऊपर देखिए कैसे नए नए पत्ते आ रहे हैं। और आपको पीछे दिख रही है हमारी धार, जिनको हम धार बोलते हैं, देखिए किस तरह से दिख रही है। दोस्तों मैंने अपना बैक कैमरा ऑन कर दिया है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस साइड थोड़ा मेरे को ना प्रॉब्लम लग रही है, शायद कैमरे में कुछ आ गया है। देखिए थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। और यहाँ पे हमारी गौशाला है, जो आपको केले के पेड़ दिख रहे होंगे पीछे, और ये लगे साइड पे, यहाँ पे दीवार लगाई गई है, और ये ऊपर रोड दिख रहा है, यहाँ पे है एक दुकान, और ये रहे गाँव के कुछ घर ऊपर दिख रहे होंगे आपको। और ये रहा हमारा अखरोट का बहुत बड़ा पेड़ है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया हुआ आपको। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये अखरोट वाला पेड़ दिखाया हुआ है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है हमारे अखरोट का। और छोटे बच्चे आ चुके हैं मेरे पीछे पीछे। हाँ अब ये टॉफी खा रहे हैं अपनी, निकाली नहीं गई, भाग गए देखो दोनों, परे वाले रूम में भाग गए, एक इस साइड भाग गया एक उस साइड वाले भाग गए। और नीचे दिख रही है कुछ चद्दर के पत्ते।
जो हमने ऊपर डाले हुए हैं अपने, इसमें तो थोड़ा ये बच गए थे। बेटा ध्यान से, नीचे लग सकती है, पैर में शूज़ वगैरह चप्पल कुछ नहीं डाले। और ये देखिए कुछ मटेरियल यहाँ पे, ये डोर के लिए बनाया गया है। और ये जो लोहा एंगल वगैरह जो है, देखिए ऊपर लगा हुआ है। अब इसकी फॉल सीलिंग वगैरह करने को है घर की। तो बाहर लगी हुई है बरसात, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। कल और परसों के लिए तो रेड अलर्ट किया हुआ है। आपको पता है ये रेड अलर्ट कब किया जाता है? तो कल परसों शायद भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है यहाँ पे। ये देख रही है कितनी प्यारी लग रही है हमारी पहाड़ियाँ। और एक गांव यहाँ पे भी है, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा बड़ा सा गांव है। और ये रहे हमारे मक्की के खेत नीचे, यहाँ पे हमने मिर्ची लगाई हुई है। ये रहा एप्पल ट्री, देखिए कुछ इस तरह का व्यू होता है पहाड़ों का, खूबसूरत बहुत ही प्यारा नज़ारा। क्या हुआ बेटा, क्या ये नट कैसा है? अच्छा, कहाँ मिला आपको? बड़े वाले रूम में? अच्छा, बारिश अब तेज हो रही है, आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है। देखिए बिल्कुल धुंध छा चुकी है बरसात वाले। देखिए यहाँ पे थी हमारी मेन मार्केट, वो भी नहीं दिख रही है। इस वाली पहाड़ी के ठीक यहाँ पे मेन मार्केट है हमारी, जो लोकल मार्केट पड़ती है। बिल्कुल धुंध ने इसको अपने आगोश में ले लिया हुआ है पूरा मौसम। देखिए थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, उसके बाद पूरी धुंध छाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा आंगन। चलते हैं सबसे बड़े रूम में। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा रूम है ये। तीन साइड पे इसकी विंडो लगी हुई है। और यहाँ पे हमारा जो हमने भेड़ रखी हुई है, बकरियाँ थी पहले, उनको निकाल दिया गया है। एक दो मर गई थी और एक दो हमने निकाल दिए। अब हमारे पास भेड़ भेड़ ही बची है, एक भेड़ है एक भेड़ दो। देखिए कैसा व्यू है यहाँ पे। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भेड़ की ऊन से बनाया गया है हमारा लोकल चीज़ है, इसको हम पट्टू बोलते हैं। सर्दियों के दिनों में इसको ओढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा ये भेड़ की ऊन का बना हुआ है, ये प्योर चीज़ है पूरी। छोटे बच्चे भी मेरे पास आ चुके हैं और देखिए खेलने का काम कर रहे हैं अपने। ये कौन सा खेल हो रहा है? मुझे तो छोटे बच्चे का कट बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए। अब बारिश तेज हो चुकी है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने सोयाबीन बीजी हुई है। सोयाबीन जो है अच्छी होती है, इन खेतों के बीच बीच में भी है सोयाबीन, लेकिन यहाँ पे हमने पूरी सोयाबीन ही है, बीच में कुछ भी नहीं है। और आपको दिख रही होगी परे वाली बालकनी, कितनी सुंदर लग रही है। तो बारिश के दिनों में वीडियो बाहर जाके बना नहीं सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर से ही बना ली जाए वीडियो। तो मैं ऊपर वाली मंजिल पे खड़ा हूँ इस टाइम, और हमने कुछ टाइम की वीडियो शूट की हुई है। यहाँ पे भी अब धुंध पड़नी शुरू हो गई है, आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो को साथ। तब तक के लिए आप देखिए इस वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेटा बाय बाय बोलो अब इनको, बाय बाय बोल दो, यहाँ से खड़े होके बाय बोल दो। ओके बाय बाय।